दोस्तों आइए जानते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाली लाल रोड माझी रेल परियोजना, जो सर्वे होने के इतने वर्षों के बाद भी धरातल पर इसका कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया। वर्ष 2011 के समय यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी जी के रेल बजट में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान हुई थी। साथ ही इस परियोजना का सर्वे भी पूरा हो चुका था। परियोजना की लागत तथा स्थानों को चिन्हित भी किया जा चुका था, फिर भी ये परियोजना ठंडे बस्ते में समाहित है। वर्ष 2016 में सिवान से तत्कालीन एमपी रहे ओम प्रकाश यादव जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। जनता के बीच में रेल परियोजना को लेकर गजब का उत्साह था। स्थानीय ग्रामीण लोग काफ़ी उत्सुक थे। इतने सालों के बाद भी परियोजना का धरातल पर न उतरना काफ़ी निराशाजनक है। अब तो चिन्हित किए गए सर्वे के स्थानों के निशान भी गायब होते जा रहे हैं। क्या थी ये परियोजना, आइए जानते हैं आसान भाषा में। ये महत्वाकांक्षी रेल परियोजना भटनी बनारस रेल लाइन पर स्थित लाल रोड रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाकर आगे की दिशा में सुहागरा धाम, गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, सिसवन से होते हुए तारी के रास्ते सारण जिले के माझी को जोड़ती। परियोजना का अधिकांश भाग बिहार के सिवान तथा सारण छपरा जिले में पड़ता, इसलिए बिहार के लोगों में प्रसन्नता ज़्यादा थी। लाल रोड से माझी की दूरी 93 किलोमीटर थी। परियोजना की अनुमानित लागत 742 करोड़ भारतीय रुपए आंकी गई थी। परियोजना के बनने से क्या होते बड़े बदलाव, स्थानीय लोगों के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होता ये परियोजना। पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित सुहागरा धाम मंदिर, जिसकी प्राचीनता कई हजार साल है, रेल लाइन के आने से मंदिर का धार्मिक पर्यटन के आधार पर काफी विकास होगा। रेल लाइन के जुड़ने से प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते। आर्थिक तौर पर पिछड़े सिवान और सारण छपरा जिले के क्षेत्रों में यातायात के बेहतर विकल्प उपलब्ध होते हैं। साथ ही रेल लाइन के बिछने से इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी गोरखपुर बनारस जैसे बड़े शहरों से हो जाती है। रोजगार, व्यापार, शिक्षा के बेहतर विकल्प उपलब्ध होते, क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होता। दोस्तों आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में। किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।